अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम दुबई ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे परफेक्ट तरीका पॉपकॉर्न बनाने का माइक्रोवेव ओवन में। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पैकेट मैंने लिया है ये माइक्रोवेवेबल पॉपकॉर्न का है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो हमें इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि उसका अप साइड कौन सा होना चाहिए और डाउन साइड कौन सा होना चाहिए। और जब आप इसे ओवन में रखेंगे तो इसके इंस्ट्रक्शंस आप सही से देख लें, जैसे कि इसमें बता रहा है कि ये साइड ऊपर है और ये साइड नीचे है। तो इसे अच्छी तरीके से इसके फ्लैप्स पूरे खोल के फिर हम इसे ओवन में रख देंगे। बॉक्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसमें मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स का टाइमर रखने के लिए कहा गया है, मगर मैं यहाँ सिर्फ 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स रखने वाली हूँ क्योंकि इससे परफेक्ट पॉपकॉर्न्स बन के आते हैं। ऐसे ही इसका टाइमर ख़त्म होगा, हमने इसे खोलना नहीं है, 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद फिर ओपन करना है ताकि जो इसका जो स्टीम बना हुआ है अंदर थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए। अब हम इसे केयरफुली बाहर निकालेंगे क्योंकि इसके अंदर से हॉट स्टीम आती है। और जब आप इसे खोलने जाएं तो पहले अच्छी तरीके से हर तरफ से शेक कर लें ताकि जो एक्सेस हॉट एयर है वो रिलीज़ हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक सिंपल ट्रिक पैकेट खोलने का। आपको दो कॉर्नर्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस के पुल करने हैं, फिर दूसरी तरफ से दो पुल करने हैं तो इजीली पैकेट खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे कॉर्नर्स रेडी हैं, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। आई होप आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।